अभी हम एंट्री गेट की तरफ बढ़ते हुए, ये भी देखने की चीजें यार, अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। ये भाई हरियाणवी मंडप है, यहाँ पे इसके अंदर दिखाएंगे आपको हरियाणवी संस्कृति की झलक मिलेगी। आजा इस तरफ आजा, ये जगह नहीं पंदी, ये जगह नहीं पंदी है। ये तो वही खाना पीना है जैसे यहाँ पे, बाकी वो रथ की तरफ भी जाके दिखाएंगे आपको आगे, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये मंडप बना रखा है भाई, जैसे स्टेज लगा रखी है। ये देखो अभी नाच गाना होएगा दोस्तों यहाँ पे। देखो भाई ऐसे ऐसे मकान होते हैं देखो मिट्टी के, और ये वही झलक दिखाई गई है बस इसमें। और ये यहाँ पे कुछ दुकानें लगाई हुई हैं, सामान वगैरह अपना सेल कर रहे हैं, जैसे लकड़ी का सामान हो गया, ये मनिहारी का सामान है। ये भाई फोटो शूट वगैरह किया है यहाँ पे, और ये रथ वगैरह है पुराने ज़माने के, मकान है यहाँ पे, फ़ोटो शूट वगैरह कर सकते हो, ट्रैक्टर है काफ़ी पुराना उधर। ये भी कुआ बना रखा है और टोकनी वगैरह रख रखी है फ़ोटो खींचने के लिए। ये भाई काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ों की देखो, ये स्टॉल्स लगा रखी है। ये देखो ये पहिया है भाई बड़ा सारा, और ये जैसे लोहे की आइटम है कुछ। ये देख लेना भाई, आधी आइटम तो मैंने देखी ही नहीं है काफ़ी। ये देखो ये तलवारें वगैरह है भाई। पीतल के बर्तन है देखो, कटोरे गिलास काफ़ी, ये देखो एक एक किलो के गिलास है भाई, काफ़ी बड़े बड़े।
ये पेंटिंग वगैरह कर रखी है आगे, कुछ वो दिखाते हैं आ जाओ आ जाओ। ये भाई फिर स्टेज की तरफ आ गए हैं भाई, नाच गाना हो रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कुछ दुकान भी है जैसे खाने पीने की है, उसकी पराठे की दुकान है 30 इंच के 3 बड़े पराठे खाने पर ब्लैक वाइट व 1,00,000 रुपये इनाम पाए, वह उम्र भर फ्री खाए। ये भाई ऐसा कुछ नज़ारा है, पराठा खा सकते हैं यहाँ पे। और एक ये रसोई है, यहाँ पे लस्सी वगैरह मिलती है। ये भी दोस्तों हम आ चुके हैं जो रथ है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से, काफ़ी लंबा रथ है और बड़े बड़े घोड़े हैं। ये रंगोली भी यहाँ पे कर रखी है, ये देखो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ये भी जहाँ पे रथ था इसके साथ में ही हरियाणा स्टेट की तरफ से जैसे अलग अलग जो बोर्ड होते हैं, विभाग होते हैं, उनकी अलग अलग शॉप से लगाई हुई है यहाँ पे। जैसे हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री, वन विभाग की, खाद्य विभाग, बागवानी, कृषि विभाग की अलग अलग जो है विभाग की तरफ से यहाँ पे दुकानें लगाई हुई है। ये भी रथ की साइड में जो यहाँ पे शॉप्स लगी हुई थी वहाँ पे मतलब बैनर वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे मतलब अच्छा कुछ सिखाया गया है यहाँ पे इन पे लिख के बैनर्स पे, और काफ़ी अच्छी अच्छी कलाकारी की हुई है। ये देखो ये गीता मन्नत इधर आई, ये तो अपनी जो है गीता बुक है अपनी, ये यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। ये ऐसे है रंगोली सिद्धि, ये वही साइड से व्यू है रथ का। बाकी आपको कुछ और शॉप्स दिखा के फिर आपको वो दिखाते हैं बच्चों के जहाँ पर खेल वगैरह हो रखे हैं, पीछे झूले लग रखे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अभी कुछ झलक आपको दुकानों की दिखाते हैं। ये भाई छतरी देखो कैसे डेकोरेशन कर रखी है उल्टी लट पा के, ये कुछ नाच गाना हो रहा है। अभी हम बीच में वहाँ पे जहाँ पे हरियाणा की संस्कृति की जो वो थी वो देखने लग गए थे, उसके बाद फिर चल पड़े हैं एंट्री गेट पे। ये वही मंदिर का भी देखो, रात को बहुत मतलब अच्छी वो आती है, वीडियो फोटो बनती है क्योंकि लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती है नाइट में, मंदिर की काफ़ी अच्छी मतलब पिक्चर आती है। और ये मेले का नज़ारा चारों तरफ से सरोवर का, ये मम्मी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये मन्नत बैठी है। अब देखना भाई मन्नत को देखना, ये बुलबुले उठ रही है ना ये। ज़्यादातर वही कपड़ों की दुकान है, और घर में जो जैसे सजावट की आइटम होती है उसकी दुकान है, और खाने पीने की एक काफ़ी। मंदिर का नज़ारा है, रात को काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है क्योंकि लाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा कुछ नज़ारा है, अभी चलते हैं अपन झूले पे चलते हैं, और वहाँ का वीडियो आप देखना मत भूलिएगा।
ये कुछ पुतले वगैरह थे पीछे। ये फिर कपड़े की दुकान उत्तराखंड से है भाई, लेडीज की बैग वगैरह की। ये पंजाबी जूतियों की दुकान भाई देख लो। अभी वही थोड़ी देर है, हमने रेस्ट वेस्ट किया है, चाय पानी पी है, अभी फिर जा रहे हैं जहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं ना, वहाँ पे जाके दिखाते हैं आपको क्या मॉल है वहाँ का। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से, वहाँ पे गेट है वहाँ पे, थोड़ा बीच में जाके अभी यहाँ से घूम के जाएंगे, फिर वहाँ से देख के सारा कुछ, फिर वहाँ से सीधा घर की ओर रवाना हो जाएंगे। कौन सा झूला झूलेगी? रेल वाला जिस गेट से भाई हमने एंटर किया था ब्रह्म सरोवर में, उसी के सामने ये जो है झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये भाई एंट्री गेट है देखो, इसका जो झूले वगैरह जहाँ पे लगे हुए हैं, और इसकी एंट्री टिकट 20 रुपये की है भाई एंटर करने की, और अलग से कॉस्ट लगेगी जो अंदर झूले हैं उन पे, मतलब जो है राइड करने की। देखते हैं क्या कुछ मतलब राइड करने में